आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पंडित जी, आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है जी। तो बसंत पंचमी के पावन पर्व का क्या महत्व है, आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके से इसे मनाना चाहिए? प्रवीण जी, भारतवर्ष में साल में बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जो हमारे जीवन से डायरेक्टली संबंधित होते हैं। वसंत पंचमी का जो पर्व है वो ज्ञान से, विद्या से और बुद्धि से संबंधित है। अगर हम वसंत पंचमी की महिमा की बात करें, इसके महत्व की बात करें कि वसंत पंचमी का महत्व क्या है, तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है और इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहते हैं। बड़ा पवित्र मौका है, बड़ा पवित्र अवसर है। साल के बहुत पवित्र अवसरों में से एक अवसर होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। ऐसा मुहूर्त कहते हैं जिसमें पंचांग और बाकी चीजें देखे बिना आप विवाह कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं और अन्य शुभ कार्य भी कर सकते हैं। ये समय ऋतुओं के संधि काल का समय है, यानी शिशिर ऋतु समाप्त हो रही है और वसंत की शुरुआत हो रही है। तो इस समय अगर आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान का और विज्ञान का, दोनों का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के पर्व पर साधना, पूजा और उपासना से संगीत का, कला का और अध्यात्म का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यानी वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा से आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो वसंत पंचमी पर आप माता सरस्वती की पूजा करके उसको ठीक कर सकते हैं। माता सरस्वती की जब आप पूजा करते हैं तो आपको विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है, ज्ञान का वरदान मिलता है और कला, संगीत, अभिनय, इस तरह के क्षेत्रों का वरदान भी प्राप्त होता है। खास तौर से वसंत पंचमी पर पूजा करने से आपकी बुद्धि सही मार्ग पर चलती है, आपकी बुद्धि शुभ मार्ग पर चलती है, ऐसी स्थिति जीवन में जरूर बन जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।